zindagi forever. Teri gali आपका माही दिखता है मुझ विच दिसदा मेरा माही बोलो सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से मुझे तेरी बातें बेहतर है बोल ये ये रहे हीरे मोती हीरे मोती पारस पासे बोलो ऐसे हाथ उठा के बोलो हीरे मोती पारस पासे पास समंदर सारे प्यासे तू है सच्चे रब दा जाया जाया यानी बेटा तू है
सच्चे रब दा जो जाया यानी पैदा हुआ तू है सच्चे रब दा जाया यीशु मसीह के सारे चेले भाग गए लेकिन यीशु मसीह वहीं खड़े रहे क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची थी क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने रिस्क लिया। यीशु मसीह ने कहा मैं इनसे प्यार करता हूं देखता हूं कि ये मेरे प्यार का कितना आदर करते हैं कितना मान करते हैं। वो चेले तो भाग गए थे क्या हम भाग जाएंगे बोल यीशु मसीह की पाक मोहब्बत क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत है वहां पे खतरा है वहां पे डेंजर है वहां मरना पड़ सकता है। पाक मोहब्बत सूली चढ़ गई फिर भी यो सच कहन न डरे फिर भी यो सच कहन न डरे ऐसा उसने सबक पढ़ाया दिल विच होर ना आया जाया बोलो जाहिर जाहिर मतलब जो दिखाई देता है और बातिन मतलब जो अंदर है। आमेन। जाहिर बात
तक दिसदा जानी मेरे बाहर और अंदर सिर्फ यीशु दिखाई देता है जहर बातन दिसदा जानी रही ना मेरी नामो निशानी किस अधिकार से लोगों को खुशखबरी देते हैं? आप किस अधिकार से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? क्या आपके पास उस चीज को करने का हक है? नीति वचन 29:2 देखो, 29:2 में पढ़िए क्या लिखा है। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। मगर परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। सारा चर्च हाय हाय कर रहे हैं, प्रभु के घरों में भी लोग हाय हाय कर रहे हैं। जितनी मीटिंग होती है अभी भी हीलिंग मीटिंग ही चल रही है, क्योंकि कोई चंगाई नहीं हो रही किसी को। मेरा एक दोस्त कहता है यार आप क्रिश्चियन में सबसे ज्यादा बीमार है क्या? क्यों? कहता वही बीमार होके वही ठीक होते हैं, फिर वही बीमार हो रहे हैं, फिर वही ठीक हो रहे हैं, वही गिर रहे हैं, फिर वो सीधे खड़े हो रहे हैं, वही डिलीवरेंस के लिए बार बार जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि धर्मी लोग जिम्मेदारी लेके अधिकार के साथ सेविकाई नहीं कर रहे हैं। अगर धर्मी लोग अधिकार लेके और उस जीवन को बिता के अगर उस प्रकार से सेविकाई करें तो मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह का शरीर सबसे स्वस्थ और सबसे सुंदर और सबसे सुडौल और सबसे मजबूत होगा। लेकिन है क्या? किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। जीसस मर गए और जीसस के मरने के बाद वो फिर जिंदा हुए और जिंदा होकर वापस आए, देखे सारे चेले जो हैं मस्ती में। जीसस ने क्या आके देखा? सारे चेले जो हैं अविश्वासी हो गए हैं। क्या हो गए? इधर उधर बिखर गए हैं। जीसस ने जब उन्होंने कहा था मैं वापस आऊंगा कि कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है, जबकि जीसस को मरे भी 3 दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे, 8 दिन हुए थे, उसके बाद भी कोई जीसस के वापस आने का इंतजार नहीं कर रहा, जबकि यीशु मसीह ने क्लियर कहा था मैं 3 दिन बाद आने वाला हूं। क्या यीशु मसीह आए? आए कि नहीं आए? इसी मरकुस के अंदर 16:14 में जाएं, क्या लिखा है देखिए। हमें सिर्फ मीटिंग्स करके खुश नहीं हो जाना है, हमको 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल आगे जाना है। मरकुस 16:14 में क्या लिखा है? 11 को यीशु का दिखाई देना, जब वो 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे
तो दिखाई दिया, वो खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह उनके डिनर में आ गए। वो बड़े मजे से खाना खा रहे हैं, कोई उपवास नहीं, कोई कुछ नहीं, टाइम पास अपना, क्या बनाया आज, मटन करी, भाभी लगाओ, रोटी लगाओ, जो लोग मजा करते हैं। जीसस कब आएंगे, उनको तो विश्वास भी नहीं था कि जीसस आएंगे, लेकिन जब वो खाना खाने बैठे तो यीशु उनको दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। जीसस ने उनको आके डांट लगाई, यीशु मसीह ने क्या किया, उनको आके डांट लगाई। वो 12 चेले जिन्होंने सारी किताबें लिखी है, जिन्होंने सारी इंजील लिखी है, लेकिन जीसस ने जब वापस आके उनके जीवन को इस लायक नहीं पाया जिस लायक जैसा वो उनके लिए छोड़ के गए थे, तो यीशु मसीह क्रोधित थे। कितने दुख की बात होगी, जीसस सोच रहे होंगे मैं जब तीसरे दिन जिंदा होऊंगा सारे बड़े खुशी से वेट कर रहे होंगे, फास्टिंग कर रहे होंगे, हमारे लॉर्ड आने वाले हैं, लॉर्ड आने वाले हैं। ये लोग खाना खा रहे थे और अविश्वास के अंदर डूबे हुए थे। और अभी 3 ही दिन हुए, कितने दिन हुए, सब कुछ निकल गया माइंड से, अरे अच्छा जीसस गए यार, चलो अभी खाओ पियो यार, अभी रिलैक्स करो, अभी बहुत हो गया, बहुत इन दिनों बहुत टेंशन हुआ यार, तू तो नहीं मरा, तेरे को किसी ने मारा तो नहीं, पतरस तू ठीक है ना, सारे आपस में बात कर रहे, ठीक है, तेरे को लगी तो नहीं, जीसस को बहुत मार पड़ी यार, चल ठीक है, रोटी ला यार, घी लगा थोड़ा इसमें, मीठे में क्या है, टाइम हो गया लंच का टाइम यार, बहुत डिस्कशन वही चल रही होगी जीसस के बारे में, लेकिन सीरियसनेस नहीं थी और अविश्वास था। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर जीसस उनसे प्यार नहीं करते होते बाहर से आवाज सुन के निकल जाते, ये लोग कैसे लोग हैं, छोड़ो यार, लेकिन वो अंदर गए, उनको तो पता है ये किस टाइप के हैं, अंदर जाके बोलते हैं, पहले उनको डांट लग गई और खाने के टाइम पे गए, हाथ में लगी रोटी लेके उसी टाइम गए, जीसस ने कहा इनकी रोटी पहले बंद कराओ, बोले यीशु मसीह के, जीसस ने पहले जाके उनके निवाला हाथ से निकाला, बोले तुम क्या हो, तुम मुझे खड़ा हो, ये योन्ना सबको 11 को उन्होंने खड़ा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज अगर जीसस आए तो हमें क्या करता हुआ पाएंगे, अगर आज यीशु मसीह आते हैं क्या हमको वो एक जिम्मेदार मसीह की तरह देखते हैं, किस अधिकार से हम जाके प्रवचन देते हैं, किस अधिकार से जाके हम सुसमाचार सुनाते हैं, क्या हमारा अपना जीवन उस लायक है कि हम लोगों को जाके खुद झूठ बोल बोल के क्या हम सुसमाचार सुनाएंगे, अपना झूठ अपनी चालाकी तो खत्म हुई नहीं है, अपने अंदर सारा गड़बड़ चल रहा है, इधर झूठ 4 चालाकियां, 100 चालाकियां, इधर इससे जलन, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, और ये लोग यीशु मसीह आजाद कर देते हैं। आमीन। अपनी आंखें अभी तक भरी हुई है गंदगी से, अपने कान अभी तक भरे हुए हैं गंदगी से, अभी मुंह से वही सब निकल रहा है, लेकिन हम जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं। जीसस आएंगे तो क्या बोलेंगे, तेरे बस साइड में रख इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी लेना है, इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर करना है, अगर यीशु मसीह का खुशखबरी देना है, यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, तो पहले जीवन भी उस हिसाब से बनाया जाए। आमीन। आज प्रभु आप सबको एक नया अधिकार देना चाहता है, आपकी प्रेयर के अंदर, मेरी तरफ देखें सब, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रेयर में और ताकत डालना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी कॉलिंग के ऊपर, जो इवेंजलिस्ट की कॉलिंग है, जो टीचर की कॉलिंग है, जो प्रॉफिट की कॉलिंग है, जो याजक की कॉलिंग है, जो जो खुदा मन ने आपको ठहराया है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो और भी मजबूत होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमको ज्यादा मजबूत सत्संगी बनाना चाहता है,
ताकि जब आप किसी को गॉस्पल दें बस में बैठे तो आपसे मिलके ही उसके हाथ पांव कांपने लग जाए, यार ये कौन है, पवित्र आदमी है यार, इसके साथ बैठते ही मुझे कुछ होने लगा है, इसके पास बैठते ही मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, वो हिलने लग जाए, वो डर जाए, प्रभु यीशु मसीह का भय उसके ऊपर आ जाए, परमेश्वर की पवित्रता आपके द्वारा उसके जीवन को बात करने से पहले बदल दे। बोल यीशु मसीह के गॉस्पल देने के लिए अंदर आग होनी चाहिए पवित्रता की। गॉस्पल देने के लिए प्रार्थना करने से पहले हम पहले प्रार्थना के इतने बड़े हम एक मुंबा बन जाएं प्रार्थना का, हम एक पिलर बन जाएं प्रार्थना का, हम एक बहुत बड़ी रिजर्वॉयर बन जाएं प्रेयर का, प्योरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और जैसे यीशु मसीह ने जान दी है, जैसे यीशु मसीह के दिल के अंदर वो पैशन था, वो पैशन जब हमारे अंदर आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो उत्तरदायित्व का, वो जिम्मेदारी का जब पैशन हमारे अंदर आएगा, तब हमारी गॉस्पल देने के अंदर सच्चाई आ जाएगी। प्रभु के जो काम के लिए आप जो एक्टिंग करते हैं उसमें सच्चाई आएगी, जो आप गीत गाते हैं प्रभु के उसमें सच्चाई आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके उन सब कामों में सच्चाई थी। क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो हथौड़ा है हर हफ्ते सिर के ऊपर मारा जाता है। एक दिन में तो कोई बिल्डिंग तैयार नहीं होती, हर हफ्ते उसकी हम नींव रखते हैं और हर दिन उसके लिए हम तैयारी करते हैं। और प्रभु का वचन आपसे रोज बात करता है, जैसे आज भी बात कर रहा है। सब बोले मैं जिम्मेदारी लूंगा अपने जीवन की, अपनी सोच की, अपने शब्दों की, अपनी आंखों की, अपने कामों की, अपने चाल चलन की, अपने काम, अपने अपने जो मेरे सोच विचार हैं, मेरी मिनिस्ट्री की, मेरी सेविकाई की, अपने जीवन की, अपनी पवित्रता की, मैं जिम्मेदारी लूंगा। उसके बाद अधिकार की बात आएगी, उसके बाद अधिकार, पहले जिम्मेदारी, पहले सीरियस फॉर द लॉर्ड। हमको पवित्रता के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ, होशिया 10:12 में क्या लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, तब करुणा के अनुसार खेत को काटने पाओगे। धर्म का बीज बो, वचन का बीज बो, और ये जो खेत है इसको जोतना पड़ेगा, ये जो मन का खेत है इसको जोतना पड़ेगा, इसके अंदर जाके हल चलाना पड़ेगा, घच 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 हल चलाओगे तो फिर मिट्टी तैयार होगी बीज डालने के लिए, बीज डालोगे तो फल आएगा। और बिना जोते अगर हम खेत के अंदर बीज डालते जाएंगे कुछ होने वाले, पहले मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, दिल तैयार होना चाहिए, हमारे अंदर से वो सारी चीजें निकल जानी चाहिए, हमारे अंदर से सारे भय निकल जाने चाहिए, हमारे अंदर से सारी बुराइयां। एक बहुत बड़ा जो मिथ है एक लोगों के मन में कि यीशु मसीह में आने के बाद पाप बढ़ो, पाप बढ़ता है तो अनुग्रह भी बढ़ता है। पौलुस ने कहा व्हेन सिन इंक्रीज तो ग्रेस भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि हम पाप करते हैं, इसका मतलब है कि हम गुनाह के अंदर, और क्योंकि अनुग्रह, हम तो ग्रेस में जी रहे हैं, ग्रेस की जो गॉस्पेल है वो हमको इतनी, हमको इतना गड़बड़ कर देती है कि हम सोचते हैं पवित्रता के बारे में सोचो अभी चलाओ, अभी ऐसे ही चल रहा है, ग्रेस है। और उस ग्रेस की वजह से हम उसकी ग्रेस को पहले यूज करते हैं, फिर मिस यूज करते हैं, फिर अब्यूज करते हैं और एंड में रिफ्यूज करते हैं। पहले यूज करेंगे, हाँ ग्रेस मिली, नया नया विश्वासी बहुत यूज करेगा, ओ लॉर्ड ने मुझे ग्रेस दे दी, फिर मिस यूज करेगा, अभी गड़बड़ भी कर साथ साथ चलेगा, फिर उसके बाद अब्यूज करते हैं, उसके बाद गंदे काम और भी ज्यादा गड़बड़ काम शुरू कर देते हैं और यीशु मसीह के नाम को गलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऐसे ही लोग होते हैं एक दिन मसीह में से भी निकल जाते हैं, जीवन मुंह से यीशु यीशु कहते हैं लेकिन अपने कामों से यीशु को रिफ्यूज करते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं यहां पे जितने लोग हैं, अगर आप बिलीवर हैं तो जिम्मेदारी लो, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के नहीं, सीढ़ियों से उतर के, और यहां से जब आप निकलते हैं तो आप अपने एक एक पल की जिम्मेदारी लें, अपने एक एक क्षण की जिम्मेदारी लें, अपने घर के अंदर एक एक बिताए हुए मिनट की जिम्मेदारी लें, फिर अधिकार की बात करना। एक हफ्ता जिम्मेदारी लेना और अगले संडे फिर किसी के लिए प्रेयर करना। बोलिए यीशु मसीह की, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको किसी भी चीज के लिए
फिर डिलीवरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है वो खुद डिलीवर हो जाता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपने आप ही छूट जाता है, जो जिम्मेदारी लेता है प्रभु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर आ जाता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो खुदा के अंदर, क्योंकि वो देखेगा कि कितना कोई जिम्मेदारी लेता है, इतनी सी ली है अनिल कांत ने, सिर्फ इतनी लेके इतनी छोड़ दी, ठीक है नया लड़का तैयार करो, ये इतना ही भाई इसके ऊपर नहीं करने वाले ये, तो चलो वहां भी निकालो किसी और को, मेरे को तो काम, प्रभु ने तो अपना काम करना है, अगर सुजाना नहीं ली तो प्रभु बोलेंगे ठीक है नई लड़की तैयार करो, उसने अगर अथॉरिटी ली है तो उसने पहले 10 चीजों को छोड़ा है, तब अथॉरिटी लेने के लिए आप, तब आपके मुंह से भी निकलेगा, तब आप अपने मुंह से बोलेंगे, जब आप अपने दिल से कहेंगे तब उसके अंदर कुवत होगी, तब उन शब्दों के अंदर सामर्थ होगा, क्योंकि उन वो सिर्फ अथॉरिटी के, यीशु मसीह को लोग देख के कहते थे क्या अथॉरिटी, वो एक सेंचुरियन था, वो कहता है मैं किसी को बोलता हूं आ तो वो आता है, जा तो वो जाता है, आप अगर बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, बोल यीशु मसीह की। हमें स्क्राइब्स नहीं बनना है, रट्टू क्रिश्चियन नहीं बनना है, रट्टू मसीही नहीं बनना है, वचन रट के कुछ होने वाला नहीं है, अधिकार लेने से होने वाला है, और अधिकार तब होगा जब आप जिम्मेदार होंगे, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने इन लोगों की जिम्मेदारी ली है, मैंने उन सब की जिम्मेदारी लेता हूं जो मेरे, जो इन वचनों को सुनते हैं, ताकि उनके सामने एक सही उदाहरण, उनके सामने सही जीवन, उनके आगे प्रभु यीशु मसीह का मसा मैं और प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी को उनके सामने मैं रख सकूं जिम्मेदार बनके। आमीन। अगर मैं लालची हो जाऊंगा अधिकार खत्म हो जाएगा। एक लालची आदमी जो है, एक लालची प्रभु का सेवक कभी भी अधिकार में बात नहीं कर सकता। आमीन। आप सब बुलाए गए हैं, बोलो मैं बुलाया गया हूं अधिकार लेने के लिए। यीशु ने आके मुझे डांटा है और मुझे कहा है अपना जीवन बदल, रोटी के लिए मत जी मेरे लिए जी। यीशु ने आके कहा है करियर के लिए मत जी मेरे लिए जी। यीशु ने कहा है अपनी शरीर की लालसाओं के लिए मत जी मेरे लिए जी। फिर मैं अधिकार दूंगा, फिर मैं अधिकार दूंगा, जैसा मुझे दिया है वही अधिकार मैं तुझको दूंगा। बोल यीशु मसीह के। हम सबको खुदा ने अधिकार दिया है। एक आया हूं मैं यीशु नाम से, कहता हूं मैं यीशु नाम से, बोलो आया हूं मैं यीशु नाम से, कहता हूं मैं यीशु नाम से। आमीन। किस नाम से आप आए हैं, आप कौन है? मैं यीशु नाम से आया हूं। सब बोलो, मैं ये दोनों हाथ उठा के बोलो, मैं यीशु नाम से आया हूं, मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, अधिकार लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं अपने जीवन की, अपने विचारों की। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम पावरफुल। जितने रिस्पॉन्सिबल उतने पावरफुल, जितने रिस्पॉन्सिबल उतने ताकतवर, जितने जिम्मेदार उतना बड़ा ओहदा, उतनी बड़ी जगह, उतनी बड़ी खुदावन की सेविकाई आपको मिलने वाली है। तो बोल यीशु मसीह के।